हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था, प्रकाशिक माध्यम जान लिए थे, लास्ट हेडिंग ही आप लोगों को प्रकाशिक माध्यम के बारे में बता के हमने अपने क्लास को बंद किए थे। फिर आज से आपके इस क्लास में पुनः हम लोग आए हैं। आज आपको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर दूसरी टॉपिक हम क्या पढ़ाएंगे, परावर्तन के नियम। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो आपकी हेडिंग क्या लगाई गई है, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश जो होती है किसी चिकने तल पे गिरती है, किसी चिकने सतह पे गिरती है, किसी पॉलिशदार वस्तु पे गिरती है तो क्या होती है। तो आप जानते हैं बच्चों कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर या चिकने सतह पे गिरती है तो गिरने के पश्चात जिस माध्यम से आई रहती है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि जैसे आपने क्या ले लिए कि ये कोई मिरर ले लिए, ये कोई दर्पण ले लिए, तो इस पे जब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होगी तो जिस माध्यम से आई है, ऊपर अगर मानते हैं आप वायु है, वायु में से चल के प्रकाश किरणें आई हैं, तो ये जब दर्पण से टकराएंगी, मिरर से टकराएंगी, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी वायु में ही लौट के जाएंगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट के जाएंगी बच्चों। तो ये घटना, ये प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। तो मैंने बताया भैया, आने वाली जो किरण होती है, ये जो आने वाली किरण होती है, इस किरण का नाम होता है आप किरण। हमने क्या बताया भैया, दर्पण। ये आपने क्या बताया था, चलो भाई हमने लिख लिया दर्पण, ठीक। तो दर्पण की ओर आने वाली किरण का नाम आपतित किरण होता है। अगर कोई पूछे, या प्यारे बच्चों अगर आपको कहीं प्रश्न में आ गए आपतित किरण क्या होता है, तो आप बताइएगा कि दर्पण की ओर आने वाली, चिकने पृष्ठ की ओर आने वाली आ का मतलब आने वाली किरणें आपतित किरणें कहलाती है। अगर आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, पी क्यू कुछ भी नाम रख सकते हो। और दर्पण से टकरा कर लौट कर जाने वाली किरणें क्या होती हैं, परावर्तित किरणें होती है। क्या बताया प्यारे बच्चों, क्या होता है बच्चों, हमने बताया कि दर्पण की ओर आने वाली किरणें आपतित किरण, जाने वाली किरणें क्या होती हैं, परावर्तित किरणें कहलाती हैं। समझ में आया बच्चों। अब आते हैं हम और एक चीज करते हैं, क्या करते हैं भैया, दोनों किरणों पर एक लंब खींचते हैं। दोनों किरणों पे क्या कर देते हैं, एक लंब खींच देते हैं। तो ये जो खींचा गया लंब होता है ये आपका क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अगर आपको ये अभिलंब क्या होता है, तो दोनों किरणों के बीच खींचा गया लंब, दोनों किरणों के बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। एक बार प्यारे बच्चों फिर से बता देते हैं आपकी, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। हमने क्या बताया, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है, चिकने तल का मतलब कोई दर्पण हो गया, कोई आपका अच्छा सा पृष्ठ, ये व्हाइट बोर्ड ही आपका चिकना तल हो सकता है, जब इससे प्रकाश किरणें इससे इसके ऊपर गिरेंगी तो ये प्रकाश किरणें पुनः इसी माध्यम में वापस लौट के चली आएंगी। तो उसी प्रकार हमने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे पड़ती हैं और चिकने तल से गिरने के, चिकने तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आने वाली जो किरण होती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जिस जो किरणें लौट कर जाती हैं दर्पण से लौट कर जाने वाली किरणें परावर्तित किरणें कहलाती हैं। दोनों किरणों के बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आया। अगर आप प्रकाश का परावर्तन लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है भैया, लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है या गिरती है, तल पर गिरती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में
वापस लौट जाना ही, वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, अब हम लोग जो है इसी से रिलेटेड थोड़ी सी और एक दो टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। इन दोनों, ये देखिएगा, जो ये आपतित किरण है और जो ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग आई से व्यक्त करते हैं। हमने क्या बताया भैया? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है, जिसे आप लोग किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। फिर हमने दूसरा क्या बताया? यहां पर भी एक एंगल बना है, तो इस एंगल को क्या नाम देंगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। हमने क्या बताया भैया? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई? आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। इसी से एक और टॉपिक आता है, ये इस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु नाम देते हैं भैया? आपतन बिंदु। तो ध्यान से समझिएगा, आपतन बिंदु क्या होता है कि चिकने पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु या परावर्तक पृष्ठ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ, तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा के वापस लौट जाती है। जैसे ये हमारे हाथ हो गए, ये मान लीजिएगा अगर आपका दर्पण होता तो इसके दो पृष्ठ, एक ये ऊपर वाला चिकना वाला पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ। जिस पृष्ठ से ये इस पृष्ठ से प्रकाश लौटेगी तो ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, ये वाला जो है आपका पॉलिश वाला पृष्ठ कहलाएगा। तो उसी प्रकार जिस पृष्ठ से प्रकाश किरणें क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। हमने क्या बताया? जिस पृष्ठ से प्रकाश किरणें वापस लौट जाती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, आपतन बिंदु क्या होता है? इसी पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं। देखिए ये क्या है, यही आपतन बिंदु है ना भैया। हमने क्या बताया कि वह बिंदु जहां पर आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु तीनों मिलती हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? आपतन बिंदु कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये चीज़ समझ में आई होगी तो हम लोग इसी से रिलेटेड एक हेडिंग और जान लेते हैं, परावर्तन के नियम यानी रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, या परावर्तन के नियम क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, तो ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जानते हैं सबसे, परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है भैया? दो नियम है। सबसे पहला नियम जानते हैं, आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। आपतित किरण, ध्यान समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देख रहे हैं आप लोग, खींचा गया अभिलंब, तीनों दर्पण के एक ही तरफ है ना। देखिए दर्पण के एक ही तरफ है, तो यही आपका पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब, कहाँ पर खींचा गया अभिलंब? आपतन बिंदु पर। तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब आप ऐसे मिरर रखेंगे तो एक तल ऊपर हो गए, एक तल नीचे हो गए, तो दर्पण के एक ही ओर है ना। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहला नियम लिखेंगे आपतित किरण, क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया
अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, समझ में आया बच्चों? ये आपका पहला नियम था। अब कौन सा नियम भैया? दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम। आइए ध्यान से समझते हैं दूसरा नियम क्या है। ये देख रहे हैं जो आपतन कोण है, आपतन कोण सदैव इस कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण रहेगा उतना परावर्तन कोण रहेगा। अगर आपतन कोण आपका 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री होगा। यानी इनके कहने का मतलब है कि जैसे प्रकाश किरणें इधर से आप आपतित कराओगे वैसे उधर से परावर्तित होंगी। अगर सीधे आपतित कराओगे तो सीधे परावर्तित होंगी, अगर टेढ़े आपतित कराओगे तो टेढ़ा परावर्तित होगा। यानी रूल ये कहता है कि जितने जिस हिसाब से आप, जैसे आप लोग अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो जिस हिसाब से गेंद को दीवार पे फेंकते हैं, जिस हिसाब से गेंद को दीवार से टकराते हैं, उसी प्रकार आपके हाथ में गेंद वापस आती है। अगर गेंद को दीवार के ऊपरी भाग में फेंकोगे तो आपको ऊपर आएंगे गेंद, अगर निचले दीवार पे फेंकोगे तो भैया नीचे आएंगे। तो वही कहने का मतलब है कि जैसे प्रकाश किरणें पड़ेंगी वैसे परावर्तित होंगी। तो दूसरा नियम क्या लिखेंगे? आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, एक आप अगर एक टॉपिक और जानना चाहते हैं, नोट पॉइंट क्या बना लेंगे इसी से रिलेटेड में। एक नोट पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके मन में ये मानसिकता बन रही होगी, क्या आपतित किरणें आती हैं जब ये दर्पण से टकराती हैं, क्या इधर जो निकलने वाली जो परावर्तित किरणें हैं इनकी चाल कम हो जाती होंगी, तो ऐसा नहीं होता। न तो चाल बढ़ती है न तो चाल घटती है, बल्कि क्या होती है कि परावर्तन की पूरी घटना में जैसे आपतित किरणों की जितनी चाल रहेगी उतनी परावर्तित किरणों की भी चाल होती है। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, तब तक के लिए अब हम लोग आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।